हेलो जो भी हमारे विद्वान जन कीर्तन के इस महाकुंभ में पधारे हैं, पधारे हुए सभी विद्वान जनों को, आए हुए सभी अतिथियों को जो इस बुंदेलखंड की धरती से हैं और जो बाहर से भैया लोग पधारे हैं, सभी को मेरी तरफ से सादर नमन है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ आ जाओ। परम पूजनीय परमादरणीय सम्मानीय स्वर्गीय दादा श्री मैयादीन तिवारी जी के लिए चंद पंक्तियां अपनी तरफ से भी समर्पित कर रही हूं उनके श्री चरणों में। सभी पदाधिकारियों को सादर नमन है। हालांकि इस समिति के हम भी पदाधिकारी हैं। चार पंक्तियां मैं अपने गीत के माध्यम से समर्पित कर रही हूं और एक धुन आई थी बहुत पहले, कौन सी? ये दौलत तुम्हारी जाना पहचाना है। कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, कभी गम न देना, अरे कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।
अच्छा, ये हमारे परम सम्मानी आदरणीय दादाजी, हमारे पूजनीय आदरणीय दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दादाजी के कर कमलों के माध्यम से ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 पत्र मुद्राओं के रूप में प्रदत्त हो रहा है। और उन्होंने कहा इस बात के लिए कि जो लहरा तुमने बीच में लगाया है, भैया हमारे श्री सुनील तिवारी जी, आपके माध्यम से भी ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुनिएगा आपका से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद उस्माल प्रदत्त हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है मेरी ओर से। तो चंद पंक्तियां दादाजी के चरणों में समर्पित कर रही हूं और कहना है मेरी ओर से, बुंदेली कीर्तन के अपने माध्यम के द्वारा परिचय दिया कि आदरणीय दादाजी का साथ सहयोग उनको कितना मिला। हमारी नीलम जी भी बता रही थी कि उनको भी दादाजी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हालांकि मेरा इतना सौभाग्य नहीं रहा है कि मैं उनके दर्शन कर पाती, लेकिन ये मेरा परम सौभाग्य है जो इस पावन दरबार में उनके श्री चरणों में कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। ये हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री हमारे भैया दीपक द्विवेदी जी, जो एक स्वयं में सक्षम रचनाकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आप, सुने। और ये हमारे भैया श्री पंडित श्री मनीष तिवारी जी, कैमहा उत्तर प्रदेश महोबा से आप पधारे हैं, आपके माध्यम से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। श्री देवेंद्र सिंह जी ग्राम प्रधान बराय, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। श्री देवेंद्र सिंह जी, बुंदेली कीर्तन कला के गुणागर। आदरणीय दादा श्री मैया दीन तिवारी जी की बुंदेली कीर्तन कला के गुणागर, और बहाया अगम साहित्य का ये सागर। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से बहाया अगम साहित्य का ये सागर। आज यहाँ आने के बाद और ये माहौल देख करके उनकी
ये दिव्य प्रतिमा देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, कैसे बेटे कैसा भैया, ऐसा लग रहा है कि सुमन में चमन या दादा, सुमन में चमन या चमन में सुमन है। भैया श्री राजेश तिवारी जी छतरपुर, आपके कर कमलों के माध्यम से ये 201 मुद्राओं का आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। सुने आप, सुनिए सुनिए तो बुंदेली कीर्तन कला के गुणागर बहाया अगम कीर्तन का ये सागर। ऐसा लगा ऐसा, अरे सुमन में चमन या सुमन में चमन या चमन में सुमन है, सुमन में चमन या चमन में सुमन है। तो आज ये राखी कह रही है, अरे कलम के सिपाही नमन है नमन, कलम के सिपाही नमन है नमन, ऐसा कोई माला पहनाता है हमारे लखनऊ से चलकर के आए हैं आदरणीय सम्मानित श्री सतीश वर्मा जी, जिनको मैं तो भैया कहती हूँ लेकिन वो हमको बुआ जी कहते हैं। मेरे भतीजे की तरफ से ये एक सुंदर सा पुष्पहार पहनाया गया है और 101 मुद्राओं का बहुमूल्य ये आशीर्वाद भी प्रदत्त हो रहा है। बिल्कुल मेरी ओर से आपको नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हमारे जिला जालौन उरई से पधारे हुए एक सक्षम अच्छे कलाकार भैया हमारे नंद किशोर निराला जी, आपके माध्यम से भी 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। भैया श्री राजीव मिश्रा जी जो लखनऊ से पधारे हैं, आपके माध्यम से 201 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। भैया हमारे श्री विनीत नगाई जी, अच्छा अच्छा भैया विनीत नगाई जी, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 200 मुद्राओं का आशीर्वाद है। और एक निवेदन भी कर रही हूँ विनीत भैया, आप मंच पर आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मंच पर आने का कष्ट करें। विनीत भैया आप मंच पर आ जाइए, आपका स्वागत सम्मान समिति के माध्यम से होना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। वाह ये एक बार तालियां हो जाए मैं पप्पू भैया के लिए, क्या बात है क्या बात है। ये बहुमूल्य 500 मुद्राओं का आशीर्वाद और एक पुष्पहार हमारे पप्पू भैया के माध्यम से प्रदत्त हो रही है, जिनका केवल एक नहीं सारे कलाकारों को उनका स्नेह सानिध्य प्राप्त होता रहता है। अच्छा अच्छा पूजनीय हमारे दादा माधव सरकार, क्या बात है, लौकुश नगर जी, हाँ याद आ गया मुझे, आपके सानिध्य में हमने और दादाजी ने कार्यक्रम भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये माधव सरकार की तरफ से 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है, सरकार के चरणों में नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे बुंदेलखंड के एक सशक्त हस्ताक्षर जिनको कहा जाए, जिन्होंने लेखनी की दुनिया में अपना अलग परचम लहराया है, आदरणीय हमारे दादा श्री विनोदी जी, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है, हृदय से नमन कर रही हूँ। भैया हमारे सुनील भैया जो शाहगढ़ से पधारे हैं, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। और ये 51 मुद्राएं जो हमारे मंडल में हमारा सहयोग करते हैं हमारे गजराज भैया, उनकी तरफ से ये 51 मुद्राएं हमारे आशीष के लिए आए हैं। क्या बात है क्या बात है।
बात सुनिएगा। कहा गया चमन में सुमन सुमन में चमन चमन में सुमन के सिपाही नमन है नमन कलम के सिपाही जैसा कि सारे कलाकारों ने बताया दादाजी का प्रेम इसने उनको प्राप्त हुआ सानिध्य प्राप्त हुआ तो जहां तक मेरा मानना है सुने आप लोग सुने अजर है अमर श्रीनगर से पधारे हैं और आपके द्वारा ये बहुमूल्य 111 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है साधुवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद है सुनिएगा सुनिए हेलो अजर है अमर धरा पर धरो हर माना कि आज वो शरीर रूप में हमारे आपके साथ नहीं है लेकिन जब जब भी जहां जहां भी जब किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है और उनको याद किया जाता है तो ये मेरा अपना मानना है कि वो किसी ना किसी रूप में यहां आते जरूर हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल इसलिए अजर है अमर धरा पर धरो हर अरे तिवारी का परिवार सुघर है जो बागडोर हमारे सम्मानी भाई साहब देवेंद्र तिवारी जी ने संभाल ली है तो इसलिए मैं पंक्ति जोड़ रही हूँ क्या सुरक्षित अभी तक अरे सुरक्षित अभी तक कीर्तन रतन है अरे सुरक्षित अभी तक सुरक्षित अभी तक वो कीर्तन रतन है कलम के सिपाही नमन है नमन पूजनीय आदरणीय दादाजी हमारे श्री राजेंद्र अवस्थी जी आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का आशीर्वाद है हमारे आदरणीय अवस्थी जी जो स्वयं एक अच्छे गायक हैं और अच्छे रचनाकार हैं दादाजी के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हमारे दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी जिनके साथ में जो लेखनी का कार्य करते हैं परम सम्मानी हमारे आदरणीय वकील साहब हमारे आदरणीय श्री जलज जी आपके कर कमलों के माध्यम से भी ये बहुमूल्य आशीर्वाद 101 मुद्राओं का प्रदत्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद सुने कला कीर्तन का दादाजी ने कला कीर्तन का सवारा चमन के सिपाही नमन है नमन और जैसा कि
श्री चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित कर रही हूँ। परम सम्मानी भाई साहब हमारे श्री देवेंद्र सिंह प्रधान जी ग्राम बराए, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। सम्मानी प्रधान जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। अंतिम पंक्तियां जोड़ रही हूँ और कहना है क्या बड़े है श्रद्धांजलि में होती जा रही है। माता पिता अगर वृद्ध हो जाते हैं तो कुछ लोग आजकल हमारे समाज में ऐसे भी पाए जाते हैं, कैसे बेटे कैसे, अगर उनके चार मित्र मिलने वाले आ गए तो उन चार लोगों के सामने अपने माँ बाप को लाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं जाओ अंदर वाले कमरे में लेट जाओ और जब तक हमारे दोस्त चले ना जाए बाहर ना आना। कौन लोग हैं ये, तुमको सामने लाने में पता नहीं कितनी बेइज्जती हमारी होती है। ऐसे ऐसे लोग भी हमारे समाज के अंदर हैं, लेकिन परम सौभाग्य है और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे सपूत सम्मानी हमारे देवेंद्र भैया और अशोक भैया, जिन्होंने आज भी अपने पिताजी की याद को हम सभी के दिलों में और अपने दिलों में संजो के रखा है। तो मेरा कहना है है श्रद्धांजलि साज ये सजाया, देवेंद्र अशोक ने ये सौभाग्य पाया। तो आप सभी लोगों से और पूजनीय दादा मैयादीन तिवारी जी से बस यही कामना कर रही हूँ क्या क्या के स्वीकारो राखी का, अरे स्वीकारो राखी का अभिनंदन है। तो स्वीकारो राखी का अभिनंदन है, कलम के सिपाही नमन है नमन।